नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कार एसी कंडेंसर क्लीनिंग के ऊपर, और क्लीनिंग के लिए जो केमिकल या फिर लिक्विड हमने यूज़ किया था वो हम मार्केट से लेके आए थे। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया कि ये जो क्लीनर है ये हमें मार्केट में मिल नहीं रहा है। मैंने भी ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन भी ये जो क्लीनर है ये अवेलेबल नहीं था, इसलिए बहुत से लोग ये जो कंडेंसर क्लीनिंग चाह कर भी क्लीन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब कुछ टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अब इस वीडियो में हम जो कंडेंसर क्लीनिंग का जो केमिकल है वो घर में ही बनाने वाले हैं, और एकदम इजीली ये बनने वाला है। और ये जो कंडेंसर क्लीनिंग का केमिकल है या फिर लिक्विड है कैसे बनाते हैं और उसको यूज़ करेंगे हम और कितना उसका रिजल्ट मिलता है ये सब इस वीडियो में हम तो देखने वाले हैं। मेड कंडेंसर क्लीनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चूना। ये जो चूना है ये हम पान वगैरह जो होता है पान के साथ वगैरह खाने के लिए यूज़ करते हैं। चूना 10-12 रुपये में ये मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चूना लेना है आपको, और इसमें से लगभग दिखाता हूँ मैं, लगभग आधे से थोड़ा कम डिब्बा चूना आपको लेना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्कलिन टाइप जो कॉइल क्लीनर होता है उसमें भी जो चूना में कंटेंट होते हैं वही सिमिलर कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने चूना लिया, लगभग इतना चूना ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे डिटर्जेंट पाउडर होती है जैसे कि सर्फ एक्सल टाइड वगैरह, उसमें से कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हो। 4-5 चम्मच आपको ये डिटर्जेंट पाउडर लेनी है, ठीक है। ये लिया, उसके बाद लगभग आपको 1 लीटर बनाना है। इसमें लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम पानी लिया मैंने, थोड़ा कम ही लिया पहले। सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, मैं मिक्स करूँगा और जो बाकी बचा हुआ पानी है वो डालूँगा। तो पूरा जो चूना हमने डाला है वो पानी के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। और अभी कलर देख सकते हो, हमने जो क्लीनर यूज़ किया था वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आपको ऊपर आई बटन में वो देखने को मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी। तो हमने जो क्लीनर यूज़ किया था तो उस क्लीनर जैसा ही इसका रंग हो गया है और स्मेल भी उस क्लीनर जैसी आ रही है। लेकिन वो जो क्लीनर था एकदम परफेक्ट था, उतना तो होगा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ये जो क्लीनिंग है हमारा कंडेंसर क्लीनिंग है ये इससे होने वाला है। तो आप देखोगे ही खुद वीडियो में, ठीक है। तो ये जो चूना है ये अभी मेल्ट हो गया पूरा, और डिटर्जेंट है हमारा वो भी मेल्ट हो गया है, ठीक है। अब जो बचा हुआ पूरा पानी है तो इसमें डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये पानी डालने के बाद और थोड़ा मिक्स करके लूँगा और इस बॉटल में भर देंगे हम। तो कैमरा बंद नहीं करूँगा मैं, ठीक है, बॉटल में भर के लूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके सामने होना चाहिए सब। ठीक है, अभी मैंने बॉटल, और इससे कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा आपके जो कंडेंसर के लिए वगैरह, क्योंकि ये चूना होता है ये एकदम माइल्ड होता है, क्योंकि इसको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं पान के साथ वगैरह। तो इससे मतलब आपका जो कंडेंसर है या फिर कार के जो भी पार्ट्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्लीनिंग कितना होता है यह हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो लगभग हमारी जो बॉटल है वो फुल हो चुकी है। तो अब आपको मैं हमारे कार के कंडेंसर की हालत दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कार का कंडेंसर देखो, थोड़ी बहुत गंदे भी है इसमें, ठीक है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। इधर भी बहुत सारा जो ऑयल के कारण वगैरह मिट्टी फंसी हुई है। तो अब मैंने बॉटल को होल मारा है, ठीक है। तो इस तरह पूरे कंडेंसर को मैं ये जो क्लीनर है उससे मतलब ये क्लीनर है पूरे कंडेंसर में इस तरह मारूंगा, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। हमने जो मार्केट वाला क्लीनर यूज़ किया था उसमें आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा आपको, क्लीनर मारने के बाद 2-3 मिनट में झाग आना मतलब झाग बनना चालू होता था, लेकिन इस क्लीनर में इतनी झाग नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये एकदम माइल्ड है। जो चूना वगैरह हमने यूज़ किया एकदम माइल्ड चूना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको मतलब इधर देखने के बाद पता चलेगा जो क्लीनिंग हो रहा होगा वो मतलब थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, मतलब झाग तो नहीं बनेगी लेकिन पानी वगैरह टपकता हुआ आपको दिखेगा थोड़ा बहुत,
ठीक है। तो अभी इसी तरह हम इसको आधा घंटा रखेंगे लगभग, जो मार्केट वाला है उसको 10 मिनट रखना पड़ता है, लेकिन ये एकदम माइल्ड है तो इसलिए आधा घंटा रखो, या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है आपका जो कंडेंसर तो 1 घंटा भी रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन धूप में नहीं रखना है, सूखना नहीं चाहिए ये, ठीक है। एकदम छाँव में आपको रखना है लगभग आधा घंटा। अभी हम आधा घंटा रखेंगे और उसके बाद वॉश करके देखेंगे कि कितना क्लीन हो गए। अभी लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखो ये तो कमाल ही हो गया है। देखो जो मार्केट का क्लीनर झाग बनाता है वैसे ही झाग बननी भी चालू हो गई। इतनी ज़्यादा नहीं, एकदम कम क्वांटिटी में बन रही है। मार्केट का जो होता है वो पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा बनती है उससे, ठीक है। लेकिन इससे बन रही है, थोड़ी बहुत बन रही है, ठीक है। ये देखो, और अभी हम रुकेंगे, देखेंगे अभी कितनी बन रही है। ऊपर देखोगे तो बन रही है, नीचे इतनी अभी नहीं बनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चालू हो गया बनने का, ये देखो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एकदम अच्छे से काम करेगा। मैंने भी ट्राई नहीं किया, डायरेक्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। पहले मैंने सिर्फ ख़राब रेडिएटर पड़ा था मेरे यहाँ, तो उसमें थोड़ा सा मार के देखा था और जल्दी उसको वॉश कर दिया। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने यूज़ नहीं किया था प्रॉपरली कंडेंसर पे, तो क्या था थोड़ा बहुत हुआ था सक्सेस, इसलिए मैंने ये पूरा किया। मतलब पूरा कंडेंसर ख़राब कंडेंसर है वही क्लीन करके देखेंगे, और हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, नहीं हुआ ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। देखते हैं कितना होगा। अभी देखो लगभग आधा घंटा हो गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से झाग बन रही है, ठीक है। नीचे भी आप देखोगे ना तो झाग बनती हुई नज़र आएगी आपको, और नीचे गिरी भी हुई है थोड़ी थोड़ी बन के झाग, या फिर पानी कहिए, आप झाग नहीं गिरती एकदम प्रॉपरली, पानी गिरता है थोड़ा, और झाग एकदम आप नज़दीक से देखोगे तो आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आधा घंटा हो गया है तो अभी इसको हम पानी से वॉश करेंगे। तो मेरे पास प्रेशर वॉशर है, तो प्रेशर वॉशर से मैं पानी मारूंगा, लेकिन प्रेशर वॉशर से पानी मारते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो फ्लो है प्रेशर वॉशर का तो वो वाइड होना चाहिए। पॉइंट मारोगे आप, पॉइंटेड मारोगे तो ये फिन से ये टेढ़ी हो जाएगी। ऑलरेडी इसकी कुछ फिन टेढ़ी है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत टेढ़ी है, लेकिन आप डायरेक्टली पॉइंटेड पानी मारोगे प्रेशर से तो पूरा ख़राब हो जाएगा, ये जो फिन्स वगैरह पूरी बेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको पानी मारते समय प्रेशर वॉशर से पूरा वाइट करके पानी, और एकदम ध्यान से मारना है, ठीक है। नहीं तो रेगुलर आपका नल का पानी होता है, नल को गार्डन होस लगा के आप मार सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेशर वॉशर से एकदम परफेक्ट क्लीन हो जाता है, और गार्डन होस से इतना क्लीन नहीं होता। अभी प्रेशर वॉशर से मैं पानी मारूंगा, देखो, और झाग भी देखो अभी निकल रहा है, ठीक है। और थोड़ा देर रखते तो भी चलता है, कुछ टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे हम आधा घंटा में कितना क्लीनिंग करता है ये। तो नीचे देखो हमारा जो चूना वगैरह केमिकल था और जो गंदगी थी वो सारी निकल रही है। एक बार और पानी मारता हूँ और देखो अब। ये देखो पूरी मतलब मिट्टी वगैरह लेके जो पानी है ना वो पूरा नीचे आ रहा है। तो जब तक ये पानी एकदम क्लीन नहीं आता तब तक मुझे पानी मारना है इसमें, ठीक है। हमारा कंडेंसर क्लीनिंग का काम है एकदम प्रॉपर हो गया है और कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। तो ये फिन्स टेढ़े हैं, इधर एक होल है, ये पहले ही थे, ठीक है। हमने जो प्रेशर से पानी मारा तब जो फिन्स थे ये एकदम सीधे थे, एक भी फिन्स टेढ़ा नहीं हुआ है। ये जो पहले फिन्स थे ये पहले से ही टेढ़े हैं, ठीक है। पहले किसी ने पॉइंट पे पानी वगैरह मारा होगा, ठीक है, इसके कारण है। और नीचे से देखो थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो बेंड भी है, तो पहले से ही था वो सब, ठीक है। और क्लीनिंग देखो किस तरह हो गई है, आपको सामने से दिखा था नज़दीक से, एकदम मतलब प्रॉपर, मतलब जो हमारा मार्केट का क्लीनर काम करता है ना उससे थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हो मार्केट का जो क्लीनर है वो 100% काम करता है, लेकिन इसने तो लगभग 70-80% काम किया है, ठीक है। तो ऊपर से देखो एकदम चकाचक हो गया है, ये देखो अंदर भी आपको जाली दिख रही होगी, ये देखो अंदर की जालियाँ वगैरह एकदम क्लीन हो गई है, ठीक है। ये देखो इस साइड में एकदम प्रॉपरली, ये जो हमारा कंडेंसर है हमारे होममेड क्लीनर से
एकदम प्रॉपरली चमक रहा है। नीचे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह आपको दिखाई देगी, वो अभी क्लीन नहीं हो गई है, ठीक है, तो हमें थोड़ा और रुकना चाहिए था, तो वो भी हो जाती, लेकिन हो गया लगभग 70-80% हो गया है। तो आपको अगर मार्केट में क्लीनर मिल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, उस मार्केट में जो क्लीनर मिलता है तो उसे ही कीजिए, क्योंकि उससे 100% हो जाता है। अगर आपको ढूंढने से ही नहीं मिल रहा है तो ये वाला आप आइडिया यूज़ कर सकते हो, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, 70-80% हो रहा है तो वो भी कुछ मतलब कम नहीं है, इससे भी आप काम चला सकते हो। और लगभग कितना खर्चा आएगा इसमें, चूना और डिटर्जेंट लगेगा 10 रुपये में, आप ये जो कंडेंसर है ये घर के घर में क्लीन कर सकते हो, और एकदम सेफ तरीका है, कुछ भी डैमेज नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो हमारा वीडियो है ये यूट्यूब पे हमने पहली बार इस तरह का जो कंडेंसर क्लीनर है, होममेड कंडेंसर क्लीनर है, ये डाला हुआ है, तो हमें भी काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, इसमें काफ़ी मेहनत लेनी पड़ी, तब जाके ये सक्सेस हुआ है। तो आपसे मैं बस यही चाहूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो और नए नए आइडियाज़ मैं आपको देता रहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।